गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सर अब्दुल सत्तार खान चैनल एंड वेलकम फॉर टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्पोकन इंग्लिश। लेट्स बिगिन सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेंटेंसेस, 20 डेली रूटीन प्रैक्टिस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस स्मार्ट एंड स्पीक स्मार्ट। आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ का मतलब क्या होता है? मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं अभी मसरूफ हूँ। आई एम बिजी नाउ, आई एम हंग्री नाउ, मुझे अब भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, या हिंदी और उर्दू दोनों में दिया गया है। आई एम थर्स्टी नाउ, मुझे अब प्यास लगी है, मुझे अब प्यास लगी है। यू आर टायर्ड नाउ, अब आप थक चुके हैं, या आप अब थक चुके हैं, या अब आप थक गए हैं। डिनर इज़ रेडी नाउ, डिनर अब तैयार है, रात का खाना तैयार है, रात का खाना अब तैयार है, रात का खाना अब तैयार है। डिनर इज़ रेडी नाउ, डिनर इज़ सर्व्ड। आप कहते हैं ना कि खाना है क्या, तैयार है क्या, तो क्या कहेंगे? खाना तैयार है, तो इंग्लिश में कहेंगे डिनर इज़ सर्व्ड, और आप क्या कहेंगे? खाना तैयार है। हिंदी में क्या कहेंगे? खाना परोस दिया गया है। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, व्हाट अबाउट द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बारे में क्या है? ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, यानी नाश्ता तैयार है। हिंदी में भी कहेंगे, उर्दू में भी क्या कहेंगे? नाश्ता तैयार है। आई एम गेटिंग लेट, मॉर्निंग में जब ऑफिस जाते वक्त कहते हैं आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है, या फिर मुझे देर हो रही है। उर्दू में भी कहेंगे, हिंदी में भी क्या कहेंगे? मुझे देर हो रही है। आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। आप क्या कहते हैं? मैं पक गया हूँ, ऐसा भी कहते हैं। आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूँ, और हिंदी में भी क्या कहेंगे? मैं तंग आ गया हूँ। आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम गेटिंग एंग्री। स्टे ऑन द लाइन, यानी लाइन पर रहो। अक्सर फ़ोन आता है तो कहते हैं ना लाइन पर बने रहो, स्टे ऑन द लाइन, लाइन पर रहो, मैं अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाती हूँ, लाइन पर रहना। तो हिंदी में क्या कहेंगे? लाइन पर रहना, स्टे ऑन द लाइन। नेक्स्ट, यू आर प्लीज नाउ, अब तुम खुश हो गए हो। आर यू प्लीज नाउ, अब तुम मुतमईन हो, खुश हो। यू आर प्लीज नाउ, तुम अभी खुश हो, अब तुम खुश हो गए हो, अब तुम प्रसन्न हो। हिंदी में क्या कहेंगे? अब तुम प्रसन्न हो। शी इज़ सेटिस्फाइड नाउ, यानी लड़की के लिए क्या कह रहे हैं? वो अभी मुतमईन है, वो अब मुतमईन है। हिंदी में क्या कहेंगे? वो अब संतुष्ट है, वो अब मुतमईन है। शी इज़ सेटिस्फाइड नाउ। यस आई अंडरस्टैंड इट, हाँ मैं इसे समझता हूँ। आप क्या कहेंगे? हाँ मैं इसे समझता हूँ। यस आई अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, यस इट्स ट्रू, जी हाँ ये सच है, हाँ ये सच है। उर्दू में क्या कहेंगे? जी हाँ ये सच है। इंग्लिश में यस इट्स ट्रू, हिंदी में हाँ ये सच है। डैट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये सब ठीक है। आप क्या कहेंगे? डैट्स ऑल राइट, इंग्लिश में ये बिल्कुल दुरुस्त है, उर्दू में ये सब ठीक है, हिंदी में। आपको समझ में आ रहा है? यू आर रॉन्ग, आप गलत है, तुम गलत हो। अक्सर हम सवाल करते हैं, पूछते हैं, बात करते वक्त क्या कहते हैं? अगर गलत लगे तो क्या कहेंगे? गलत लगती है तो हम सीधा कह देते हैं यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, तुम गलत हो। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। आई एम प्लीज्ड विद द रिजल्ट्स, मैं नतीजे से खुश हूँ, मैं नतीजे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं परिणामों से प्रसन्न हूँ, हिंदी में क्या कहेंगे? मैं परिणामों से प्रसन्न हूँ। और उर्दू में मैं नतीजे से खुश हूँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम प्लीज्ड विद द रिजल्ट्स। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो